हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का मीन टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। और पहले हमने जो प्रीवियस ईयर पढ़ा हुआ है, मीन का फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट अब इसमें हम तीन टाइप के मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन सबको कैलकुलेट, ये फॉर्मूले लिखे हैं, सम, ये सिग्मा सम का साइन होता है। अब इसमें क्लास मार्क निकालने को अगर आ जाता है आपको, क्लास मार्क निकालो, तो उसके लिए हम एक्स आई जो होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और एच होती है हाइट, जो डिफरेंस होगा क्लास इंटरवल के बीच में उसका हम एच लेते हैं। एफ आई हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम इसको देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन पे कि कैसे होते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि डेटा रिगार्डिंग वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स आपको क्लास 10th का दिया हुआ है, कंप्यूट मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अब हम इससे निकाल रहे हैं एज्यूम मीन मेथड, हम सबसे पहले सीख रहे हैं इसमें। तो एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमको टेबल गिवन है, हम इसको लिख लेंगे 50, 52, 52, 54, 54 से 56, 56 टू 58, 58 टू 60, 60 टू 62 और 62 टू 64। फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे हम 16, 35, 15। अब क्लास मार्क निकालने का भी मैंने प्रीवियस में ही फॉर्मूला बताया कि दोनों को एक क्लास इंटरवल को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप कर करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें निकालना होता है हमें डी आई। तो ये हमारा क्या आएगा, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए कैसे करते हैं, हम ए को एज्यूम करते हैं, यहाँ पर जितने भी नंबर होंगे उसका मिडिल वाला हम उसको ए मानते हैं। अब जैसे यहाँ 7 नंबर है तो यहाँ तो इजिली हो गया, इसको हम ए बोल देंगे, ठीक है। अगर आपका 6 होता है, 6 नंबर हो तो उसमें हम ए क्या माने, तो आप थर्ड वाले को मानो, फोर्थ वाले को मानो, आपका आंसर सेम आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक्स आई में से इसको माइनस करते जाएंगे, 51 माइनस 57 तो माइनस का 6, ऐसे हम सारे निकाल लेंगे माइनस कर करके। 2 और 57 माइनस 57 जीरो हो जाएगा, 2, 4, 6। अब क्या दिया है उसने, एफ आई डी आई, ये हमारी डी आई की वैल्यू आ गई। अब एफ आई से हम मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे, 18 6 108, 21 4 84, माइनस 34 और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो आ जाएगा, 16 2 32 और 35 4 आपका हो जाएगा 140 और 15 6 90। अब इसका सम निकालना है, पहले इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ रहा है आपका 150। और अब इसका करेंगे तो पहले प्लस वाले एक साथ कर लेते हैं, 2 और 7 और ये 16 का 1 2 62, और इनको ऐड कर लो आप तो 8 और 8 16 की 1 12 2। माइनस का प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 36 इसका टोटल सम। अब अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो देखो ए की वैल्यू क्या मानी थी हमने यहाँ पे, 57, और इसका सम कितना आया निकल के 36, और टोटल कितना है एफ आई हमारा 150। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.24, और 57 में प्लस कर देंगे तो ये हो गया आपका 57.24 मीन आंसर आपका आ गया। किसमें दिया था, वेट में था, तो इसको केजी लिखेंगे तो आपका मीन कितना निकल आया, 57.24। ये आपका एज्यूम मीन मेथड था कि मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटरवल फ्रीक्वेंसी लिख के क्लास मार्क बनाएंगे, डी आई कैलकुलेट करेंगे एक्स आई माइनस ए, ए हम वो मानते हैं, या तो ऊपर 7 दिया तो मिडिल वाला मान लेते हैं, और नहीं तो फिर आप थर्ड या फोर्थ में से भी कोई भी मानोगे तो भी आपका आंसर निकल आएगा। फिर उनका प्रोडक्ट करते हैं, फिर प्लस माइनस करके उनकी वैल्यूज निकालते हैं सम कर कर और फॉर्मूला में रख देते हैं। ये तो था एज्यूम मीन मेथड। अब चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड पे। अब स्टेप डेविएशन मेथड देखते हैं, इसमें क्या है, हमको क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, और मैंने ये वैल्यूज पहले ही लिख ली है। फ्रीक्वेंसी एक्स आई आप जैसे निकालते हैं वैसे ही कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्स आई निकल आएगा, सारे में आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। आप 150 200 को प्लस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 175, ये 225 और ये 275। अब इसमें देखो 6 है तो आप इसमें ए किसको मानोगे, तो मैं मान रही हूँ ए इसको, थर्ड वाले को। आप फोर्थ वाले को भी मानेंगे तो भी आंसर आपका ठीक आ जाएगा, और मैंने माना है थर्ड वाले को। अब इसमें से एक्स एच क्या होता है, इन दोनों के बीच की डिफरेंस। अब देखो 125 माइनस 125 करेंगे, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 25 माइनस 125 करेंगे अपॉन इनका डिफरेंस कितना होगा 50, तो क्या हो जाएगा माइनस 100 अपॉन 50, दैट इज माइनस 2। तो यहाँ पे माइनस 2 आप कैलकुलेट कर लेना ऐसे यूआई, मैंने तो कैलकुलेट कर लिया है, तो आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर, और पीछे करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2, और इसको करेंगे तो 3।
थ्री, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम, हमारा यू आई आ गया एफ आई से मल्टीप्लाई, तो 17 टू से कितना आता है 34, माइनस का 34 माइनस का 35 आ जाएगा, 1 × 35 करेंगे 0 से 0 होता है, 1 × 40 40 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 और 24 थ्री से हमारा हो जाएगा 72, क्योंकि 3 × 4 = 12 की 1 कैरी 72। आप इसको क्या करते हैं प्लस वाले एक साथ लिख लो प्लस करके, आप रफ में करना ही है, मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, और 8 15 154 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 9 और 6, आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका सम एफ आई यू आई का आ जाएगा दैट इज 85, क्योंकि बड़ा प्लस का है तो पॉजिटिव। अब सगमा एफ आई और निकाल लेते हैं, इसको प्लस करते हैं 12 12 3 15 15 16 और 4 20, तो 0 2 कैरी ऊपर ये करेंगे 8 180 आ गया इसका टोटल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले जो जो वैल्यूज हमें फॉर्मूले में चाहिए ना वो लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ वही, बस एच आ जाता है, एज्यूम में एच नहीं होता है और इसमें एच आ जाता है। अब ये देखो, अब ए कितना है हमारे पास 125 और हमारे पास एच 50, सॉरी सिग्मा एफ आई यू आई, जो वैल्यूज आपको चाहिए आप यहाँ पे लिख लो तो प्रॉब्लम नहीं होगी और गलत भी नहीं होगा। तो ये 125 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 50, 85 अपॉन 180। अब क्या करेंगे, इसको 125 हो जाएगा प्लस, इसको आप सॉल्व करोगे 0 से 0 और काटोगे पीटोगे तो ये आ जाएगा आपका 23.61, फिर आप इसको ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये मीन निकल आया। ये क्या आपको मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी पूछा था, तो ये आपका आंसर। तो अभी हमने एज्यूम सीखा है और स्टेप डेविएशन देखा है, अब मिसिंग वाला देखते हैं कि मिसिंग जब एफ वन एफ टू मिसिंग होते हैं तो कैसे करते हैं। देखो अभी क्वेश्चन दिया है, क्लास फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमको एफ वन एफ टू, इसमें दो मिसिंग है, तो अब क्लास इंटरवल मैंने लिख लिया है और फ्रीक्वेंसी मैंने लिख लिया है, तो देखो इन सब का सम करते हैं, इन सब का सम करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 + 8 + F1 + 20 + F2 + 2 + 50, टोटल है सॉरी, तो टोटल 50 के बराबर। अब यहाँ से F1 + F2 = कितना हो जाएगा 8 + 5 = 13 + 5 = 15 ये आ जाएगा एफ वन प्लस 20 भी है ये प्लस तो करेंगे 35 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एफ वन प्लस एफ टू इक्वल्स टू, इधर माइनस कर देंगे तो ये 15 बचेगा, तो यहाँ से मैंने एफ वन एफ टू की वैल्यू निकाल ली दैट इज 15 - F1। ठीक है, क्या करा मैंने, पहले तो टोटल फ्रिक्वेंसी को टोटल के बराबर लिख दिया और फिर वहां से मैंने एक इक्वेशन एफ वन प्लस एफ टू 35 था तो इधर माइनस कर दिया, ये आ गई आपकी एफ टू की वैल्यू, और यहाँ पर जो एफ टू था तो वहां पर मैंने एफ टू की वैल्यू क्या निकल के आई है 15 - F1 रख दिया। अब क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास मार्क कैसे निकालते, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 20 40 60 80 100 और 120, ये आ गया, और यहाँ इसका टोटल हमको कितना दे रखा है 50। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई करना है तो एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट करते जाओ, 100 320 यहाँ पर करेंगे इससे इसका मल्टीप्लाई तो 60 F1 और इसका करेंगे 160। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 - 100 F1। ठीक है, और इसका करेंगे तो 240। ठीक, अब यहाँ से इसका सम निकालना है हमें, अब यहाँ से हम इसका सम निकालेंगे एफ आई और एक्स आई का, तो क्या हो जाएगा नंबर्स को आप एक साथ प्लस कर लीजिए और इसको प्लस माइनस 40 हो जाएगा, माइनस का 40 एफ आई तो ये आ जाएगा और इसको करेंगे तो 3760 आ जाएगा, मतलब हमारा क्या आया है यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं थोड़ा क्लियर, एफ आई एक्स आई हमारा क्या निकल के आया 3760 - 40 F1 आ गया। अब मीन की वैल्यू इसको ना डायरेक्ट मीन से डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, एज्यूम से बहुत कैलकुलेटिव होगा, मीन आपका जब मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाला आए तो आप डायरेक्ट मेथड से जो होता है उसी से रख देंगे, जब आपको ये मिसिंग वाला आएगा ना तो आपको वो मीन देगा क्वेश्चन में, तो मीन यहाँ कितना दिया है 65.6 और यहाँ पर मेरा ये कितना आया, वैल्यूज पुट कर रही हूँ मैं और टोटल कितना था एफ आई हमारा 50, क्रिस क्रॉस करेंगे इधर ले जाएंगे इसको, तो इधर ले जाने के बाद 3760 - 40 F1 ये इक्वल आ जाएगा 3280 के, फिर इसको इधर माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 40 को इधर ले जाते हैं इसको इधर ले आते हैं तो 3760 - 3280 = 40 F1, तो ये आगे माइनस करके 480 और इक्वल्स टू 40 F1, अब इसको करेंगे तो ये कितना हो गया एफ वन की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी, 12 आने के बाद हमारा अब इस फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ एफ वन इन इक्वेशन 1।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एफ टू की वैल्यू क्या थी 15 माइनस 12, दैट इज आपकी एफ टू की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये मिसिंग वाले आता ही आता है, एक मीडियन से आए या मोड से। तो ये मोड मीडियन का जब मिसिंग फ्रिक्वेंसी से कैसे करते हैं वो है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लेस देन वाला हो। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है आपको, कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो सबसे पहले जब लेस देन वाले दिए होते हैं तो इसमें हमें दो टेबल बनानी होती है, पहले तो क्लास इंटरवल को ठीक करना होता है और फ्रीक्वेंसी को। तो हम लेस देन जीरो मतलब कि 0 से 10 तक ले लेते हैं, 10 से 20 को ले लेते हैं, 20 से 30 को ले लेंगे और 30 से 40, मतलब जो लेस देन होगा उससे लेस देन ही लेकर हम इसको करेंगे, 50 से 60 को लेंगे। अब फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी में पहली वाली तो एज इट इज लिखी होती है, फिर हम पीछे से माइनस करते चलते हैं, 75 में से 67 गया, 8 बचा। अब 67 में से 58 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये हमारा 7, और ये माइनस करते चलो 75, फिर ये गया 15, इनको ऐड करो माइनस करो, फिर 21, 9 और 8, ठीक है, ऐसे आ गया हमारा ये क्वेश्चन। देखिए ये कैसे आया मैं एक और बार बता देती हूँ। जैसे पहला 14 लिखा, 14 में से 22 को माइनस करेंगे 8 आया, 22 में से 37 को माइनस करेंगे 15, 37 को 58 में से माइनस करेंगे 21, 58 में 67 में से 58 को माइनस करेंगे 9 और 75 में से 67 को करेंगे तो 8। और जो नीचे से माइनस करते हैं वो मोर देन वाले में करते हैं, लेस देन वाले में ऊपर से ही माइनस करते आते हैं। अब इसमें हम टेबल बनाएंगे, क्लास लिखेंगे, फ्रिक्वेंसी लिखेंगे और आपकी मिड वैल्यू वही एक्स आई, और फिर आप इसका यू आई निकालेंगे और फिर आप इसका एफ आई इंटू यू आई का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो मैं टेबल बना लेती हूँ फिर। अब देखिए मैंने टेबल बना ली है, क्लास इंटरवल लिख ली, फ्रिक्वेंसी लिख ली, मिड वैल्यू आप निकाल लेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, यू आई निकाल रही हूँ। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है, एच कितना होगा 10 होगा हमारा, और यहाँ पे ए किसको मान रही हूँ मैं, 35 को ए मान रही हूँ मैं, तो आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, एफ आई इंटू एक्स यू आई करेंगे, करते हैं तो ये कितना है -42, -16, -15, 0, 9 और 16। अब इसका करेंगे हम सम, तो सम पहले इसका कर लेते हैं 8 और 5 13 की 1, 6 7 73 माइनस का, और इसको प्लस करेंगे 25, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर आपका एफ आई इंटू यू आई माइनस का 48 आएगा, और ये सम हमारे पास एफ आई 75 दिया था। अब स्टेप डेविएशन मेथड से किया ये मैंने, अब इसको क्या करेंगे फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आपका मीन कैलकुलेट हो जाएगा, एफ आई समीशन। अब ए क्या लिया था 35 और 10 इंटू -48 अपॉन 75, इसको कट कर लेते हैं 5 से 2 बार और ये गया 1 और 15 बार, ठीक है, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो 35 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.4। तो हमारा मीन कितना निकल आया, 28.6 मीन की वैल्यू निकल आई ये। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, इसमें सारे मीन के क्वेश्चंस मैंने कवर अप किए हैं और सारे टाइप्स के आपको दिखा दिए। नेक्स्ट वीडियो मेरी मीडियन की होगी, तो थैंक यू।